मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि कोई चीज़ अगर इजी तरीके से याद रखनी है तो उसके अराउंड एक स्टोरी बना लो। ऑन द सिमिलर लाइन्स आज आपको मैं एस्कोमाइसिटीज फंगस के एग्जाम्पल्स याद कराने वाली हूँ। लोगों को निमोनिक याद करना ही मुश्किल लगता है कि ये निमोनिक ही भूल जाएंगे, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं। एक छोटी सी स्टोरी बना लो उसके आसपास और देखो कैसे तुमको याद रहता। तो स्टोरी क्या है, आपको पता है फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुकुर मुट्टा। कवक भी बोलते हैं, फुफुंद भी बोलते हैं, बट ये वर्ड मैंने इसलिए चुना, कुकुर का नाम संस्कृत में उसको हम कुत्ता बोलते हैं। और एक बड़ा फेमस डायलॉग है, कुत्ते की तरह जीने की आदत हो गई लोगों को, पता है किसका है? नाना पाटेकर का। एंड कुत्ते की तरह माने एज कुकुर, एज फंगस माने एस्कोमाइसिटीज फंगस, और उसके एग्जाम्पल्स नाना पाटेकर से ही हमने याद कर लेने हैं कि जी कुकुर मिता हमारा फंगस, कुकुर कुत्ता, कुत्ते जैसे जीने की आदत, नाना पाटेकर का डायलॉग। नाना पाटेकर आस्क्स फॉर मोटी टिक्की। हाँ आपका यस, नाना पाटेकर क्लेवरली आस्क फॉर मोटी टिक्की। इस डायलॉग से वो क्लेवरली आस्क कर रहा है आपके फंगस के लिए मोटी टिक्की। अब मोटी टिक्की का मतलब है आपका मॉरल्स एंड ट्रूफल्स। टिक्की हम खाते हैं तो मॉरल ट्रूफल्स आपके एडिबल फंगस हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे एडिबल फंगस है। और वाई यस यीस्ट, नाना एन न्यूरोस्पोरा, पाटेकर पी पेनिसिलिन, आस्क आपका एस्परजिलर, क्लेवरली आस्क आपका क्लेविसेप्स पर प्यूरा, आस्क एस्परजिलस हो ही गया, मोटी मॉरल मॉर्शेला जो आपके एडिबल टिक्की, मोटी टिक्की, टिक्की खाओगे तो मोटे हो जाओगे और मोटा खाने पीने से ही होता है, तो एडिबल। सिंपल फॉर्मूला फॉर रिमेम्बरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। हो गया ना याद फटाफट?